हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोस पार्ट 1 की पूरी स्टोरी जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है ग्रिफफस स्क्रिमगोर को नया जादू मंत्री चुन लिया गया है, जो सबको कह रहे हैं कि वो डार्क फोर्सेस से सबको आजाद करवाएंगे। हरमायनी अपने पेरेंट्स की याददाश्त मिटाकर घर छोड़कर चली जाती है। डर्सलीज को सेफ जगह भेजा जा रहा होता है। स्नेप मैलफॉय मैनर पहुंचते हैं जहां वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स बैठे होते हैं और चैरिटी बर्बेज को ऊपर लटकाया हुआ होता है। स्नेप बताते हैं कि हैरी को अगले सैटरडे ले जाया जा रहा है किसी ऑर्डर ऑफ फीनिक्स मेंबर के घर पर। बेलाट्रिक्स कहती है कि वो हैरी को मार देगी, पर वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी उसका शिकार है और वो ही उसे मारेगा। पर क्योंकि उसकी और हैरी की छड़ी का कोर मटेरियल सेम है, इसलिए उसकी छड़ी ढंग से काम नहीं करती, इसलिए उसे किसी और की वॉन्ड चाहिए और वो लूसियस की वॉन्ड ले लेता है और फिर वो उसी छड़ी से बर्बेज को मार डालता है, क्योंकि वो हॉगवर्ट्स में मगल स्टडीज पढ़ाती थी और मगल्स को बराबर मानती थी और नगीनी को डिनर करने का कह देता है। सैटरडे की नाइट आती है, हैरी घर पर अकेला होता है और तभी वहाँ 13 लोग आ जाते हैं, जिसमें मूडी 6 लोगों को पॉलीजूस पोशन पिलाकर हैरी में बदलने को कहता है ताकि सब 7 हैरी बनकर उड़कर वहाँ से चलें। रॉन, हरमायनी, फ्लर, मंडगस, फ्रेड और जॉर्ज हैरी बन जाते हैं। हैरी हैग्रिड के साथ रहता है और सब जैसे ही घर से उड़ते हैं डेथ ईटर्स हमला कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले हैग्रिड बेहोश हो जाता है और फिर किलिंग कर से हेडविग हैरी को बचाने में मर जाती है, जिसे एक डेथ ईटर देख लेता है और वहां से चला जाता है जो उनका पीछा कर रहा था और वोल्डेमॉर्ट आ जाता है। पर इन सब में हैरी बेहोश होने को होता है और वोल्डेमॉर्ट जैसे ही उस पर किलिंग कर्स मारता है, हैरी की वॉन्ड अपने आप ऊपर होकर काउंटर कर्स कर देती है, जिससे वोल्डेमॉर्ट की लूसियस वाली वॉन्ड टूट जाती है और वोल्डेमॉर्ट से बचकर हैरी बाइक आगे बढ़ाता है। हैग्रिड को होश आ जाता है और वो बाइक को जमीन पर उतारता है, जो कि वीजलीज का घर होता है। उसके जस्ट बाद ल्यूपिन और जॉर्ज आते हैं, जिसके कान से खून आ रहा होता है क्योंकि स्नेप ने शाप मार दिया था। नेक्स्ट किंग्सले और हरमायनी आते हैं, बिल और फ्लर आ जाते हैं, रॉन और टोंक्स आ जाते हैं, फ्रेड और मिस्टर वीजली आते हैं। बिल बताता है कि मंडगस के वोल्डेमॉर्ट को देखते ही डिसेपरेट हो जाने से मैड एमोडी मारे गए। हैरी को दिखता है कि ओलिवेंडर ने वोल्डेमॉर्ट से कहा है कि उधार की छड़ी से काम बन जाएगा। नींद खुलने पर मौत के गिल्ट से हैरी आधी रात में वहां से जाने लगता है कि उसके कारण अब और कोई नहीं मरेगा, पर रॉन आकर उसे रोक लेता है कि ये बात सिर्फ उसकी नहीं पूरे विजर्डिंग वर्ल्ड की है और अकेले ऐसे रात में जाकर वो वोल्डेमॉर्ट का ही फायदा कराएगा। अगले दिन बिल की शादी की तैयारी चल रही होती है। हैरी पेपर देखता है कि डंबलडोर के डार्क सीक्रेट्स रिवील करने पर रीटा स्कीटर ने कोई बुक लिखी है और उसके नीचे एल्फियस डोज का एक लेख भी है। तभी वहां मंत्री रिफस स्किमग्योर आ जाते हैं डंबलडोर की वसीयत लेकर, जिसमें रॉन को डिलिमिनेटर, हरमायनी को बीटल द बार्ड की एक बुक और हैरी को वो स्निच दिया जाता है जो उसने अपने पहले गेंद में पकड़ी थी, साथ ही ग्रिफिनडोर की स्वॉर्ड भी। पर वो स्वॉर्ड चोरी हो गई और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है और किसी एक इंसान की नहीं हो सकती, इसलिए हैरी को नहीं दी जाती। शादी की रात आ जाती है, सब शादी एंजॉय कर रहे होते हैं। लूना भी अपने पिता के साथ आती है, जिन्होंने अपने गले में ट्रायंगल सा लॉकेट पहना होता है। वहाँ एल्फियस डोज भी आए होते हैं और हैरी उनसे बात करने लगता है क्योंकि वो डंबलडोर के दोस्त होते हैं। तभी वहाँ म्यूरियल आंटी बैठी होती है और कहती है कि गॉडरिक विलेज में रहने वाली बेथिल्डा, जो कि डंबलडोर फैमिली के करीब थी, उसने ही सारे राज रीटा स्कीटर को बताए हैं, जिससे उसने 800 पेजेस की बुक लिखी है। वो ये सब बातें बड़े मजे लेकर बता रही होती है। तभी वहाँ एक पेट्रोनस आता है और खबर मिलती है कि स्किमग्योर नहीं रहे और मंत्रालय पर वोल्डेमॉर्ट का कब्जा हो गया है और डेथ ईटर्स आ रहे हैं। सभी लोग वहाँ से डिसेपरेट होकर भागने लगते हैं और हरमायनी हैरी और रॉन को पकड़ कर एपरेट होकर उन्हें शाफ्ट्सबरी एवेन्यू ले आती है। वहाँ वो अपने छोटे से बैग से, जिसमें उसने जादू किया होता है, सबके नॉर्मल मगल कपड़े निकालती है और सब कैफे में जाते हैं, जहाँ वो बात करते हैं कि वोल्डेमॉर्ट के मिनिस्टर पर कंट्रोल करने से अब कोई जगह सेफ नहीं, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए। पर तभी वहाँ दो लोग आ जाते हैं, वो डेथ ईटर्स होते हैं। लड़ाई होती है, जिसमें ये तीनों दोनों डेथ ईटर्स को बेहोश कर देते हैं। हरमायनी उनकी याददाश्त मिटा देती है और वो वहाँ से रस्ते में बात करने लगते हैं कि हैरी 17 साल का हो चुका है, जिसे वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इसके बाद वो ग्रिमॉल्ड प्लेस पहुँचते हैं, सब चेक करने के बाद कि कोई जादू तो नहीं है, वो वहाँ ही रहने लगते हैं। अगले दिन हैरी की आँख खुलती है, वो सीरियस के रूम में जाता है, पर रॉन को आवाज़ आती है और जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि आरएबी सीरियस का भाई था, जिसने लॉकेट वाला हॉक्रक्स पहले ही चुरा लिया था। तभी वहां आवाज आती है और क्रीचर दिखता है। उसे पूछने पर कि इस जैसा लॉकेट उसने दूसरा भी देखा है क्या, तो वो बताता है कि मंडगस सब कुछ चुरा कर ले गया, जिसमें वो शैतानी लॉकेट भी था। उसे मंडगस को लाने का काम सौंपा जाता है। वह डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को रोकते हैं हैरी को ढूंढने के लिए, पर वो नहीं मिलता।
मिनिस्ट्री में एक डेथ ईटर पायस थिकनेस को नया मिनिस्टर चुन लिया जाता है, जिसकी सीनियर सेक्रेटरी फिर से अमरीश बन जाती है, और याक्से नाम का एक और डेथ ईटर और रनकॉन भी होते हैं। हैरी के खिलाफ अनडिजायरेबल नंबर वन का पोस्टर छपवाया जा रहा होता है और मगल बॉन्ड्स पर जुल्म स्टार्ट हो चुका होता है। पोस्टर को डायगन एली में भी लगवाया गया था, जहाँ मंडंगस इलीगली सामान बेच रहा होता है, पर क्रीचर उसे पकड़कर ग्रिमोल्ड प्लेस ले जाता है, जहाँ डॉबी भी आया होता है। मंडंगस बताता है कि लॉकेट तो अमरीश ने उससे फ्री में ही ले लिया था। वो लोग प्लानिंग करके जाते हैं, मिनिस्ट्री के बाहर तीन लोगों को बेहोश करते हैं, उनका रूप लेकर टॉयलेट से होते हुए मिनिस्ट्री पहुंच जाते हैं। वो लिफ्ट में जाते हैं, पर याक्सले कैटामोल यानी रॉन को आकर कहता है कि ऑफिस में बारिश हो रही है और वो उसे सही करे, वरना उसकी बीवी का ब्लड स्टेटस की जो पूछताछ चल रही है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए रॉन सबसे पहले लिफ्ट से उतर जाता है। अभी हैरी और हरमाइनी डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि अगर एक आर में अमरीश नहीं मिली तो वो फिर कभी आएंगे, कि तभी लिफ्ट खुलती है और अमरीश आ जाती है और मैफिल्डा यानी हरमाइनी को अपने साथ ले जाती है, जबकि रॉनकॉन यानी हैरी को वहां ही उतरना पड़ता है। हैरी उस रूम में पहुंचता है जहां सभी एक साथ बुकलेट छाप रहे होते हैं, जो मडब्लड्स एंड द डेंजर दे पोज पर होता है। तभी वहां हैरी को अमरीश का ऑफिस दिखता है, जिसके पीप होल में उसे मैडा मूडी की आंख लगी हुई दिखती है। वो वहां पे ध्यान भंग करके उसके रूम में घुस जाता है, जहां पर पहले तो वो लॉकेट को आह्वान मंत्र से बुलाता है, पर उसे वहां लॉकेट नहीं मिलता, पर उसे कौन कौन मिनिस्ट्री के निशाने पर है पता चलता है। वो रूम से बाहर आता है और आंख ले जाता है। लिफ्ट में उसे रॉन मिलता है और दोनों कोर्ट रूम जाते हैं, जहां कैटामोल की वाइफ की सुनवाई चल रही होती है, जो अमरीश कर रही होती है, जिसके पेट्रोनस से ऊपर के डिमेंटर्स नीचे नहीं आ रहे होते। अमरीश ने ही वो लॉकेट पहना हुआ होता है और मैरी यानी कैटामोल की वाइफ पर इल्जाम लगा रही होती है कि उसने छड़ी चुराई है और वो विच नहीं है। पर हैरी जो वापस अपने रूप में आ रहा होता है, अमरीश को बेहोश कर देता है, जिससे डिमेंटर्स नीचे आने लगते हैं। हरमाइनी जल्दी से लॉकेट ले लेती है और सब भागते हैं। डिमेंटर से बचकर वो लोग एग्जिट पर भागते हैं। याक्सले उनके पीछे आता है और वहां से बाहर आते ही तीनों खुद को जंगल में पाते हैं, जहां रॉन घायल हो जाता है। हरमाइनी बताती है कि डिसेपरेट होने के टाइम पे याक्सले ने उसे पकड़ लिया था और उससे छुड़ाने में रॉन घायल हो गया। डिटेनी का एसेंस लगाने से रॉन की चोट भर जाती है, पर वो बहुत कमजोर होता है, इसलिए हरमाइनी उसी जगह को सिक्योर करके टेंट लगाने को कहती है, जो उसके बैग में था। अगले दिन वो लोग लॉकेट नष्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर कोई भी मंत्र उस पर काम नहीं करता। रॉन चिढ़ने लगता है कि डंबलडोर ने हॉकरस को खत्म करने का तरीका क्यों नहीं बताया। पर जब तक लॉकेट खत्म नहीं हो जाता, तब तक सेफ रखने के लिए हैरी हॉकरस को पहन लेता है। पर उसे विजन दिखता है कि वोल्डेमॉर्ट गैग्रोविच से पूछ रहा है कि वो कहाँ है, और देखता है कि उसे एक यंग आदमी चुरा कर ले जा रहा है। वोल्डेमॉर्ट ये देखने के बाद गैग्रोविच को मार डालता है। रॉन के बुरी खबर वाले रेडियो चैनल को सुनने और चिड़चिड़े होने के कारण हैरी भी चिढ़ जाता है और हरमाइनी और हैरी में बहस सी हो जाती है, जिसमें हरमाइनी हैरी से लॉकेट उतारने को कहती है, जिसके बाद हैरी को बेटर फील होने लगता है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लॉकेट को बारी बारी से पहनेंगे। हैरी रेडियो पर सुनता है कि स्नेप हॉगवर्ट्स का नया हेडमास्टर बन गया है और वोल्डेमॉर्ट का कानून चल रहा है अब हॉगवर्ट्स में, और वहां पे सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है और दो डेथ ईटर्स बच्चों को पनिश करते हैं। रात में हैरी और हरमाइनी डिस्कस करते हैं कि क्योंकि रॉन डिसेपरेट होने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो लोग पैदल ही दूसरी जगह जाएंगे, और उन्हें अकेले आते हुए रॉन देख लेता है। धीरे धीरे रॉन और चिड़चिड़ा हो जाता है, खासकर लॉकेट पहनने के बाद तो और भी। वो लोग भटकते रहते हैं। एक रात हरमाइनी को अचानक ध्यान आता है कि ग्रिफिंडोर स्वॉर्ड को गॉब्लिन ने बनाया है। धूल और जहर का उस पर कोई असर नहीं होता और वो उन चीजों को सोखती है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बनती है, यानी हॉकरस को ग्रिफिंडोर के स्वॉर्ड से मारा जा सकता है क्योंकि उसने वेनम को सोख लिया था। इसे डंबलडोर ने उसे हैरी के नाम किया था, पर रॉन अचानक गुस्सा हो जाता है कि हैरी और हरमाइनी तो उसे भूल ही गए हैं। उसकी हैरी से बहस हो जाती है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। लड़ाई बढ़ती है और रॉन लॉकेट देकर उन्हें छोड़कर चला जाता है। हरमाइनी उसके साथ नहीं जाती, इसलिए उसे लगता है कि उसका और हैरी का अफेयर है। वो वापस नहीं आता है, इसलिए वो लोग वहां से अपने सेपरेट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। हरमाइनी बहुत ज्यादा अपसेट रहती है, जिसे चीयर अप करने के लिए हैरी उसके साथ डांस भी करता है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हैरी को एक दिन याद आता है कि उसने फर्स्ट टाइम स्निच को मुंह से पकड़ा था। वो स्निच को मुंह लगाता है और उस पर लिखा आता है कि आई ओपन एट द एंड। वो हरमाइनी को बताता है। हरमाइनी भी उसे बुक में एक ऐसा सिंबल दिखाती है जो ट्रायंगल जैसा होता है। हैरी पहचान जाता है कि उसने यही सिंबल को लूना के डैड को पहने देखा था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग गॉड्रिक विलेज जाएंगे, जहां उन्हें हॉकरक्स या स्वॉर्ड मिल सकता है। वो डिसेपरेट होकर गॉड्रिक विलेज पहुंचते हैं और ग्रेवयार्ड जाते हैं। ये क्रिसमस ईव होती है। ग्रेवयार्ड में भी उन्हें वो साइन दिखता है, हैरी के पेरेंट्स की कब्र दिखती है, पर तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये बेथिल्डा बैकशॉट थी।
उसका घर बहुत ही बुरी हालत में होता है और घर में हरमाइनी को वो बुक भी मिलती है जो रीटा स्कीटर ने लिखी थी। हैरी को उस आदमी की पिक दिखती है जिसने गैग्रोविच से कुछ लिया था, पर बेथेल्डा पार्सल टंग में बात करने लगती है और जल्दी ही पता चलता है कि उसकी बॉडी में दरअसल नगीनी रह रही है। वो हैरी पर हमला करती है, हरमाइनी हैरी की मदद करती है और दोनों किसी तरह जिंदा वहां से बचकर निकलते हैं। हैरी की आंख खुलती है, हरमाइनी रीटा स्कीटर की बुक पढ़ रही होती है और बताती है कि वो पिक्चर ग्रिंडलवॉल्ड की है और हैरी को पता चलता है कि लड़ाई में उसकी वॉन्ड टूट गई थी। रात हो जाती है, हैरी लॉकेट पहनकर वॉच पर होता है और एक ग्लास के टुकड़े में देख रहा होता है, तभी उसे कोई चीज चमकती हुई दिखती है, किसी का पेट्रोनस। वो उसके पीछे जाता है और एक जमी हुई झील पर पहुंचता है जहां वो पेट्रोनस वाली हिरनी गायब हो जाती है। हैरी देखता है कि झील की तली में ग्रिफिनडोर की तलवार चमक रही है। वो ऊपर की बर्फ तोड़कर पानी में कूद जाता है, पर तलवार पकड़ने से पहले ही लॉकेट उसे दूर ले जाकर डुबाकर मारने की कोशिश करती है, पर तभी कोई आता है और तलवार उठाकर लॉकेट की चेन तोड़कर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। ये रॉन होता है। वो डिसाइड करते हैं कि अभी ही लॉकेट को नष्ट कर देंगे। हैरी रॉन को कहता है कि जब हैरी उसे खोलेगा तो उस टाइम रॉन लॉकेट पर वार कर दे। वो सर्प भाषा में लॉकेट खोलता है, पर उसमें से आवाज आती है जो रॉन के मन की थी, कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती और उसके अंदर का डर सामने आता है, जैसे मकड़िया या हरमाइनी का हैरी को पसंद करना। हिम्मत करके रॉन तलवार चला देता है और लॉकेट टूट जाती है, हॉक्रक्स नष्ट हो जाता है। वो दोनों वापस टेंट पहुंचते हैं। हरमाइनी रॉन को देखकर पहले तो बहुत मारती है, पर देखती है कि लॉकेट नष्ट हो गया है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं होता। जब रॉन बताता है कि वो उसी टाइम वापस आना चाहता था पर उन लोगों को ढूंढ नहीं पाया, पर क्रिसमस की मॉर्निंग जब वो पब में सो रहा था उसे डेलिमिनेटर से हरमाइनी का उसका नाम लेते हुए आवाज सुनाई देती है और उसमें से एक बॉल ऑफ लाइट निकलता है और उसके सीने में घुस जाता है और वो वहां से डिसेपरेट होकर उन लोगों के पास पहुंच जाता है। रॉन अपने साथ स्नेचेस से चुराई हुई छड़ी भी लाया था और हैरी को देता है, पर वो छड़ी इतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती। हरमाइनी कहती है कि वो साइन अब भी बार बार सामने आ रहा है, इसलिए वो लूना के डैड से मिलने जाना चाहती है, क्योंकि बुक में एक लेटर में डंबलडोर ने एक ही जगह उस सिंबल का यूज किया होता है, यानी इसका कुछ तो बड़ा मतलब है। सब तैयार हो जाते हैं और लूना के घर पहुंचते हैं। घर में क्विबलर पेपर के एडिटर लूना के डैड ज़ेनोफिलियस लवगुड मिलते हैं, जो थोड़े अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। घर पर क्रिसमस छुट्टियां होने के बावजूद लूना दिखाई नहीं दे रही होती। हैरी सिंबल के बारे में पूछता है। ज़ेनोफिलियस बताते हैं कि डेथली हैलोस का निशान है, जो तीन भाइयों की कहानी में थे। हैरी ने कहानी नहीं सुनी होती, इसलिए हरमाइनी बीडल द बार्ड की बुक से कहानी सुनाती है कि तीन जादूगर भाई जा रहे थे और नदी पार करने के लिए उन्होंने पुल बना दिया था और मौत, जो आमतौर पर सबको मार डालती थी, हारने के कारण तीनों भाइयों को तोहफे मांगने का कहती है। सबसे बड़ा भाई क्लेवर होता है और एक ऐसी वॉन्ड मांगता है जो सबसे पावरफुल हो और मौत उसे एल्डर ट्री से बनी वॉन्ड देती है। दूसरा भाई घमंडी होता है और मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की पावर मांगता है, मौत उसे एक पत्थर देती है। और छोटा और सबसे हम्बल भाई ऐसी चीज मांगता है जिससे मौत उसे ढूंढ ना पाए, इसलिए वो उसे अपना इनविजिबिलिटी क्लोक दे देती है। बड़ा भाई सबसे पहले जाकर अपने दुश्मन को मार डालता है और अपनी वॉन्ड के बारे में सबको बताता है, पर उसी रात कोई उसे मारकर उसकी वॉन्ड ले जाता है। दूसरा भाई पत्थर से अपनी मरी हुई फियांसे को बुलाता है, पर क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं थी, वो अधूरी सी होती है, इसलिए वो भाई पागल सा हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। छोटा भाई कई सालों तक मौत से बचता रहता है और बूढ़ा होने पर अपना क्लोक अपने बेटे को दे देता है और मौत को पुराने दोस्त जैसे मिलता है। फिर ज़ेनोफिलियस ड्रॉ करके बताते हैं कि कैसे ये तीनों तोहफे मिलकर डेथली हैलोस का सिंबल बनते हैं और मिलने वाले को मास्टर ऑफ डेथ बनाते हैं। और ग्रिफिनडोर विलेज में पेवरल फैमिली पर इसलिए ये सिंबल बना था क्योंकि माना जाता है कि वो तीनों भाई पेवरल भाई ही थे जिन्हें ये तोहफे मिले थे। ज़ेनोफिलियस चाय बनाने लगते हैं। वो लोग जाने की बात करते हैं, पर ज़ेनोफिलियस कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा। डेथ ईटर्स उसके लेखों के कारण नाराज थे, इसलिए वो लूना को पकड़कर ले गए और हैरी को वो उन्हें देकर अपनी बेटी को वापस ले आएगा। और वो जैसे ही वोल्डेमॉर्ट का नाम लेता है, डेथ ईटर्स हमला कर देते हैं। हैरी, रॉन, हरमाइनी वहां से बचकर निकलते हैं, पर फेनरिर और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। सभी भागते हैं पर पकड़े जाने लगते हैं। हैरी को पकड़ने के जस्ट पहले हरमाइनी उसके चेहरे को बदल देती है। हैरी को विजन आता है कि वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडलवॉल्ड के पास पहुंच गया है, जहां उसे पता चलता है कि एल्डर वॉन्ड, जिसकी वोल्डेमॉर्ट को तलाश है, डंबलडोर के साथ उनकी कब्र में दफन है। हैरी ये बात हरमाइनी को बताता है। हैरी अपना नाम डडली बताता है, पर फिर भी उन्हें शक हो जाता है और वो तीनों को पकड़कर मैल्फॉय मैनर ले जाते हैं। वहां 100% कंफर्मेशन के लिए ड्रेको को बुलवाया जाता है, पर वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर देता है। तभी बेलाट्रिक्स की नजर ग्रिफिनडोर के स्वॉर्ड पर जाती है, जो उसके ग्रिंगॉट्स की तिजोरी में होना चाहिए थी। वो स्नेचर्स पर हमला कर देती है और हैरी और रॉन को बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है और वो हरमाइनी को टॉर्चर करती है कि उन लोगों ने तिजोरी से और क्या लिया।
उन्हें नीचे बेसमेंट में लूना, ओलिवेंडर और ग्रिपुक नाम के गॉब्लिन भी मिलते हैं। हैरी अपने ग्लास को देखकर उससे हेल्प मांगता है। पेटिग्रू आकर गॉब्लिन को ले जाता है ताकि वो तलवार की ओरिजिनलिटी बताए। यहाँ डॉबी हेल्प के लिए आ जाता है और लूना और ओलिवेंडर को रॉन के बताने पर शेल कॉटेज ले जाता है और उन्हें ऊपर मिलने के लिए कहता है। पेटिग्रू आवाज सुनकर नीचे आता है पर डॉबी पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वो लोग ऊपर जाते हैं। रॉन पेटिग्रू से छड़ी ले लेता है और बेलाट्रिक्स को डिसार्म कर देता है और उसकी छड़ी हैरी ले लेता है। लड़ाई होती है पर बेलाट्रिक्स हरमाइनी को पकड़ लेती है और ड्रेको से उनकी छड़ियां लेने को कहती है। लूसियस वोल्डेमॉर्ट को बुलाने को ही होता है पर डॉबी उनके ऊपर शैंडलियर गिरा देता है जिससे हरमाइनी बच जाती है। मौके का फायदा उठाकर हैरी ड्रेको से सारी वॉन्ड छीन लेता है। नासिसा उन पर हमला करने को होती है पर डॉबी उसकी वॉन्ड ले लेता है और सबसे अच्छा सीन आता है जब बेलाट्रिक्स ये बोलती है कि वो अपने मालिक से गद्दारी कर रहा है तो डॉबी कहता है कि उसका कोई मास्टर नहीं है, वो एक आजाद एल्फ है और हैरी और उसके दोस्तों को बचाने आया है और वो उन्हें डिसेपरेट करके वहां से ले जाता है। पर तब तक बेलाट्रिक्स अपना खंजर फेंकती है। वो सभी शेल कॉटेज के बाहर पहुंचते हैं पर डॉबी को खंजर लग चुका होता है। डॉबी कहता है कि वो आज बहुत खुश है कि वो अपने दोस्त हैरी पॉटर के साथ है और इसके साथ ही उसके प्राण निकल जाते हैं। हैरी बिना किसी जादू की मदद के डॉबी की लाश को दफनाता है। उधर वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र तोड़कर उसमें से एल्डर वॉन्ड निकाल लेता है और यहाँ ही डेथली हैलोज का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है।